मैं हूं अर्चित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube परिवार स्टडी मटेरियल बाय IDS चैनल। एक बार पुनः आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। आप सभी को बता देता हूं, आप सभी को पता ही होगा कि इन दोनों सीटेट के एग्जाम लगातार कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2022-23 13 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और उसकी जो प्रथम पाली संपूर्ण हुई है उसमें क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और किन टॉपिक्स को रिपीट किया गया है और क्या नए कुछ टॉपिक्स एग्जाम में जो हैं जोड़ दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने भाइयों के बीच इसे वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। अब लाभ इस प्रकार उठा सकते हैं कि जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होना बाकी है, जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इतना तो पता लगा ही सकते हैं, इतना तो गैस कर सकते हैं कि किन टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं उन क्वेश्चन को जो कि 13 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है सीटेट 13 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं। यहां पर लिखा है, पहले ही क्वेश्चन आया था जीन पे आजे बाइगोत्स्की से, जो है दो दो प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये तो होना ही था, मुझे पता ही था, मैंने पहले ही बताया था आपको, पढ़कर जाइए या ना जाइए। जीन पे आजे बाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, इनसे रिपीटेड जो टॉपिक्स बार बार इनसे रिपीटेड पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को कवर करके जरूर जाइएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था और अब भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने बता दिया था कि इन टॉपिक्स से रिपीटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो दो क्वेश्चन इस बार भी हमें देखने को मिल गए हैं। कोहलबर्ग से एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल गया है, जीन पियाजे बाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, यहाँ पर तीनों टॉपिक यहाँ पर इस बार भी पूछ लिए गए हैं। अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को पढ़कर जाते हैं तो आपका 50% जो है पेपर सॉल्व होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर पूछा गया था अवस्थाओं का सही क्रम पूछा गया था। ठीक है, बच्चे के जन्म की जो अवस्थाएं पूछी गई थी वो उसमें दे रखा था और उसको सही लगाना था कि गर्भावस्था, फिर शिशु अवस्था, उसके बाद बालावस्था होती, उसके बाद किशोरावस्था होती, यह क्रम जो इसका सही होने वाला था, यही इसका राइट आंसर होने वाला था। ऑप्शन में दे रखे थे, इस क्रम से चार जो ऑप्शन थे इसमें से ये ऑप्शन एकदम सही होने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन वहाँ पर आया था, बच्चे में मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, इसके लिए जो एक समय अवधि बताइए, इसकी एक क्रिया पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है और ये होती है कब से, 2 से 7 साल तक होती है, इस अवस्था में जो है बच्चे का मूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर यही होने वाला था, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ था NFC 2005 से 4 से 5 क्वेश्चन, देखिए कितना वेटेज बढ़ा दिया है यहाँ पर। वैसे NCF 2005 से जो है हर बार एक या दो प्रश्न हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो नहीं सीधे 4 से लेकर 5 प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आप NCF 2005 को कवर करके जरूर जाइएगा, इससे रिपीटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और NCF के अलावा बात करें तो NEP 2020 से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं और एक आध क्वेश्चन नहीं सीधे 2 और 3 यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आए थे कि राजेंद्र सिंह किस संस्था से जो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसका सही आंसर जो होने वाला था जल संग्रहण से, इसका मतलब इस संस्था से जो है राजेंद्र सिंह रिलेट करते हैं और इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन में 4 स्टेट दे रखे थे, इसका राइट आंसर होने वाला था खेजड़ी राजस्थान, यानी कि खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं वो खेजड़ी राजस्थान में पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए किन राज्यों से गुजरेंगे, अगर आपको दिल्ली से जो है मुंबई को जाना है तो आप निम्नलिखित में से किन राज्यों से या कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में दे रखा था राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इसका यही एकदम राइट आंसर होने वाला था। 4 ऑप्शन दे रखे थे और बाकी 3 ऑप्शन में और कुछ दे रखा था, लेकिन एक ऑप्शन था जिसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों से आप होकर गुजरेंगे तभी आप दिल्ली से मुंबई पहुँचेंगे, इसका यही एकदम राइट आंसर होने वाला था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आए थे
जोड़ से दो आसान प्रश्न आए थे, जोड़ से दो आसान प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। समतल की परिभाषा यहाँ पर एग्जाम में पूछ ली गई है, मैथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जोड़ से या सिंपलीफिकेशन या प्लस से जो है सिंपल क्वेश्चन आए थे दो, और समतल की यहाँ पर परिभाषा पूछ ली गई है। और मैथ में आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर अनुपात व भिन्न में समरूपता से यहाँ पर प्रश्न हमें देखने को मिला है, अनुपात व भिन्न में समरूपता से एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर कटआउट से प्रश्न देखने को मिला है, हो सकता है पेपर कटिंग से जो है प्रश्न हो पेपर में, इस प्रकार से कुछ एग्जाम में प्रश्न हमें देखने को मिला है। पैटर्न की बात कर लें तो पैटर्न में इस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, 13^(-11)^(-12)^(-1) इस प्रकार से जो है मेरे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 32^(-30)^(-31)^(-1), 17^(-15)^(-16)^(-1) इसके स्थान पर जो है आपको फिल करना था कि यहाँ पर जो है क्या आने वाला है, आपको इसका राइट आंसर बताना था, ठीक है। आगे और यही थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो कि 13 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई है उसमें पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा सेकंड शिफ्ट के। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइए, ताकि हम उन क्वेश्चन का भी एनालिसिस आपके सामने पेश कर सकें। और अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच अपने भाइयों के बीच इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास कीजिए, ताकि जिन लोगों का भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें और इन टॉपिक्स को फिर से अच्छे तरीके से कवर करके जा सकें। इन टॉपिक्स से रिपीटेड क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और अंत में आप सभी का तहे दिल से आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।